हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नीतीश वर्ल्ड में। और मैं हो गई तैयार और आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं मदन महल गुरुद्वारा, जो कि जबलपुर में है। हम यहाँ पर सबसे पहले गुरुद्वारे में ऊपर जाके मत्था टेकेंगे और उसके बाद यहाँ पर लंगर का आयोजन किया है, तो लंगर भी छकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चप्पलें जमा कर देते हैं। यहाँ देखिए आप सभी कितनी सेवा भाव से लगे हुए हैं, सभी कितने सेवा दे रहे हैं अपनी। तो यहाँ चप्पल रखने के बाद, चप्पल जूते रखने के बाद, अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर। तो यहाँ सीढ़ियों के रास्ते से अब हम ऊपर गुरुद्वारे में जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ आके जो शांति और सुकून मिलता है ना, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत ही मन में शांति और सुकून मिलता है। और यहाँ देखिए बहुत ही पब्लिक आई हुई है आज, तो सभी गुरुद्वारे में दर्शन कर रहे हैं, तो आप भी करिए। और यहाँ पर मिल रहा है देखिए कड़ा प्रसाद, जो बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार लेने के बाद मन नहीं भरता है। तो अब चलिए अंदर आप गुरुद्वारे में देखिए, दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पब्लिक, देखिए आप कितना रश है। और सभी, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, और चाहे लेडीज़ हो, सभी बहुत अच्छे से अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी बहुत सेवा में जुटे हुए हैं, बहुत आदर भाव से सभी यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। देखिए आप, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम भी लंगर शक लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ। चलिए घर चलते हैं, लंगर हो चुका है। तो आ गए थे हम लंगर से वापस। उसके बाद आके मैंने क्या किया, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है 100 नींबू, जिसका रस मैंने निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो इन नींबुओं का रस निकालने के बाद ये बच गए छिलके, और छिलकों का क्या उपयोग करना है मैं ये भी बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। तो पहले देख लेते हैं नींबू का रस। तो ये जो नींबू का रस निकाला है ना, किसी कांच के बर्तन में निकालना है आपको। तो इस तरह से मैंने इस बोल में निकाल लिया है, अब इसको मैं छान लूँगी। और ये है 2 बॉटलें, ये भी कांच की बॉटल्स हैं। इसको आपको पौना पौना भर लेना है। पौना मतलब थोड़ी सी जगह बस छोड़ देनी है, बाकी पूरा ऊपर तक का चीनी तक भर देना है। तो ये नींबू का रस छान ले रही हूँ मैं इस तरह से। तो इसमें जो भी बीज बीज होंगे सब अलग हो जाएंगे। और इस लोटे में मैंने इसलिए छान लिया है कि इसमें बॉटल में डालने में बहुत आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मैंने स्टील के इसमें डाला है, नहीं तो इसको हमेशा नींबू के रस को और खट्टी चीजों को हमेशा कांच में ही रखा जाता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसको भरू और ये इतना भरना है पूरी शक्कर तक ये नींबू का रस आ जाए, बस उतना ही भरना है। तो ये देखिए, ये शक्कर तक आ गया नींबू का रस। अब ये जो जगह खाली बची हुई है ना, ये आपको शेक करने के, मिलाने के काम आएगी। अब ये दूसरी बोतल में भी भर लेते हैं। अभी इतना नींबू का रस मेरा बच चुका है, ये एक बॉटल में और बच जाएगा, तो 3 बॉटल नींबू के शरबत तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये नींबू का रस जहां तक की शक्कर थी मैंने भर दिया है। अब इसको अच्छे से शेक कर लेंगे और इसको मैं 2-3 दिनों के लिए धूप में रख दूंगी। तब तक धूप में रखेंगे जब तक की शक्कर इसमें अच्छे से घुल ना जाए, या आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। इसको धूप में पका देंगे तो ये अच्छे से बनके प्रिपेयर हो जाएगा। और इस तरह से ये दूसरी बोतल है, ये दूसरी बोतल में भी अच्छे से शेक कर लेंगे। ये जो नींबू का रस बचा है फ्रेंड्स, इसमें 1 बोतल और बनके तैयार हो जाएगी मेरी इसकी नींबू के शरबत की। तो ये जो नींबू का शरबत है, ये साल भर के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। और इसमें गर्मी में जब भी आपका मन करे, तो ये जब बन जाएगा ना, तो उसके आपको क्या करना है, 2 चम्मच ये लेना है आपको, और इसमें मिलाना है पानी या सोडा,
और बस आपका शरबत बनके तैयार है। अगर आपको एक्स्ट्रा मीठा पसंद है तो शक्कर ऐड करिए, बर्फ ऐड करिए, मिंट पसंद है तो मिंट ऐड करिए, और बढ़िया एंजॉय कीजिए साल भर नींबू का शरबत। तो जी यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है 1 लीटर के लगभग पानी इस बड़े पतीले में, और इसमें ये नींबू के छिलके मैं डाल दूंगी। और इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक इसका सारा सत इसमें नहीं आ जाता पानी में, अच्छे से बॉईल कर लेंगे। फिर इसके बाद हम मिलते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से पानी में इसका सत आने में, तो 10-15 मिनट बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स ये ठंडा हो चुका है, और इसमें से मैं नींबू निकाल के अच्छे से निचोड़ निचोड़ के अलग करती जाऊंगी। जितना भी इसका सतह इस पानी में आ चुका है, अब इसको पूरा निचोड़ लेंगे नींबुओं को, और जो पानी बचेगा उसको छान लेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे आपको। तो फ्रेंड्स ये नींबू का रस मैंने छान लिया है इस बॉटल में, आप देख सकते हैं। तो ये जो नींबू का रस है ये बहुत नींबू, एक्चुअली ये है नींबू का सत जो अपन ने पूरा पानी में उबाला था ना, तो ये इतना कंसंट्रेट है कि इससे आप पीतल की जो मूर्तियाँ होती हैं तांबे की, पीतल की मूर्तियाँ और जो बर्तन है, इसमें थोड़ा सा आप डिटर्जेंट कोई भी डालिए, मिलाइए 2-3 चम्मच या लिक्विड लीजिए, उसमें थोड़ा डिटर्जेंट डाल के मिला के कोई भी तांबे की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ और बर्तन ऐसे साफ करते हैं, कर सकते हैं जो भगवान के अपन यूज़ करते हैं ना उसके। और बाकी इसका डिश वॉश और जो DIY है वो मैं बनाना बताती हूँ आपको। अब ये जो इतनी बॉटल है इसमें इतनी खाली है, देख लीजिए आप, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मीठा सोडा। ये मीठा सोडा थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये 1 बड़ा चम्मच इसमें मीठा सोडा चला गया। अब ये रिएक्शन हो रहा है, देख लीजिए ऊपर तक आ रहा है, इसलिए हम इसको खाली रखते हैं इतनी जगह। तो इसको थोड़ा बंद कर देते हैं ताकि ये बाहर ना आए। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं ये वाले 2 चम्मच डाल दे रही हूँ, कोई भी लिक्विड वॉश या डिश वॉश कुछ भी डाल सकते हैं, इसके ये 2 चम्मच डाल दे रही हूँ मैं। 1 चम्मच डाल दिया है फ्रेंड्स, डाल देते हैं ये 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। बस ये हमारा DIY तैयार है, एक अच्छा सा क्लींजर तैयार है जिससे। तो फ्रेंड्स ये तैयार हो गया हमारा DIY, इससे आप किचन क्लीन कीजिए, गैस क्लीन कीजिए, कवर्ड्स क्लीन कीजिए, बहुत अच्छा क्लीनर तैयार हो गया है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मूर्ति वूर्ति के लिए और मूर्तियां साफ़ करने के लिए, बर्तन भगवान जी के साफ करने के लिए बहुत अच्छा DIY है ये, इससे आप क्लीनिंग का कोई भी काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा इसका यूज़ है, तो इसको यूज़ करके देखिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपने इस वीडियो को, और होप करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, और पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।